लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। यूपी में लागू हुआ 55 घंटे का लॉकडाउन, दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील। राहुल गांधी ने फिर पीएम को घेरा, राहुल ने मोदी को कहा असत्याग्रही। अमेरिका में कोरोना केस में अब तक का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 70,000 केस मिले। कोरोना वायरस की पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं, WHO। यूपी हरियाणा में बारिश के आसार, इन राज्यों में भी मौसम विभाग का अलर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज नहीं आया कोई बदलाव, जाने कितने रुपए चुकाने होंगे। मोदी सरकार ने बढ़ा दी ये 3 डेडलाइन, करोड़ों लोगों को नवंबर तक राहत। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 8,22,603 के पार हो चुका है और 22,144 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 5,16,206 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,62,889 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,26,31,067 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये मामले और बढ़ गए हों। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे यूपी में एक बार फिर से शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले का बॉर्डर पहले की तरह ही सील कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों का उनकी आईडी कार्ड को देखकर पुलिस द्वारा नोएडा और गाजियाबाद में एंट्री की इजाजत दी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन पास या फिर कोविड-19 पास से नोएडा में एंट्री की इजाजत दे रहा है। पुलिस के जवान नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर नाका लगाए हैं और आने जाने वालों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आवागमन हो रहा है। एनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्ति की जांच होगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विकास दुबे की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में सहयोगियों का विवरण मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी मांगी। ईडी ने विकास दुबे की संपत्ति की सूची उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगी है। विकास दुबे के नाम से लखनऊ में 2 बड़े मकान हैं। वहीं विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का दुबई और थाईलैंड में निवेश किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर ऊर्जा परियोजना को एशिया की सबसे बड़ी परियोजना बताने के लिए शनिवार को पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम कार्यालय के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए असत्याग्रही कहा है। बता दें कि पीएम ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा, रीवा का ये सौर ऊर्जा संयंत्र इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया की सबसे बड़ी सौर योजना का भी नाम जुड़ गया है। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा इलाके में शनिवार सुबह सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। यातिरप जिले में सेना ने 6 आतंकी मार गिराए। ये सारे आतंकवादी नगा उग्रवादी संगठन के सदस्य थे। मारे गए इन आतंकियों के पास चीन में बने हथियार भी बरामद थे। अरुणाचल प्रदेश के DGP RP उपाध्याय ने बताया कि पुलिस और असम राइफल्स की ज्वाइंट टीम ने शनिवार की सुबह करीब 4:30 बजे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, जिसमें नगा उग्रवादी संगठन के 6 आतंकवादी मारे गए। WHO ने शुक्रवार को कहा कि नए कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है। WHO के इमरजेंसीज प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना अब भी तेजी से फैल रहा है। रॉयटर्स के अनुसार जिनेवा में एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर माइक रियान ने कहा, मजबूत स्थिति में ऐसा लगता नहीं है कि वायरस पूरी तरह से खत्म होगा। WHO अधिकारियों ने कहा, संक्रमण के क्लस्टर को रोककर दुनिया कोरोना के दूसरे पीक और दोबारा लॉकडाउन करने की स्थिति से बच सकती है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले, जो किसी भी देश में महामारी शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा उछाल है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में अब तक 31,83,856 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में अब तक जानलेवा वायरस कोरोना से 1,24,61,962 लोग पॉजिटिव हैं। इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से पूरी दुनिया में 5,59,481 लोग
अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि इस बीमारी से इलाज के बाद 6,83,68,35,987 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम बुधवार के समान ही हैं। बता दें कि बीते सोमवार को डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 और डीजल 80.78 है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.10, 87.19 और 83.63 है और डीजल की बात की जाए तो ये भी 75.89, 79.05 और 77.91 रुपए है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों हरियाणा और बिहार में अगले 2-3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश का अनुमान जताया। इसके अलावा हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की उम्मीद है। स्काईमेट वेदर के अनुसार आज यानी 11 जुलाई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में तेज मानसूनी बारिश के आसार है। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। बीते दिनों कोरोना के संकट काल को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 अहम डेडलाइन बढ़ा दी थी। पहला, सरकार के महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के 7 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा अवधि को सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब परिवार की महिलाओं के नाम गैस कनेक्शन मुफ्त आवंटित किए गए। दूसरा, सरकार अगस्त तक नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का क्रमशः 12-12% PF अमाउंट खुद देगी। ये योजना सिर्फ उन प्रतिष्ठानों के लिए है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और उनमें 90% का मासिक वेतन 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तीसरा, PM गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को और 5 महीने जुलाई से नवंबर 2020 तक विस्तार किया गया। इसके तहत सभी लाभार्थी परिवारों को मुफ्त अनाज के अलावा अगले 5 महीनों तक प्रति महीना 1 किलो चने का निःशुल्क वितरण होगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेशन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।